अपने मुंह में मिठू नहीं करते, कभी कभी फंबल सबसे होते हैं, सबके रीटेक्स होते हैं, किसी का भी वन टेक नहीं होता। मैं रो रहा हूँ, मैं शुरू से रो रहा हूँ। इमोशनल सीन्स उनके साथ आपने देखा या हमेशा से ही अच्छे हुए हैं। समृद्धि शुक्ला बहुत खाती है, अभी भी खा रही होगी, जाके सेट पे देखो। अपने मुंह में मिठू नहीं करते, कभी कभी फंबल सबसे होते हैं, सबके रीटेक्स होते हैं, कभी कभी सबके वन टेक हो जाते हैं। तो ऐसा एज सच कोई पर्टिकुलर, क्योंकि सारे ही बहुत धुरंधर, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, किसी का भी वन टेक नहीं होता है। कभी कभी तो इतना, कभी कभी 10 पेज का सीन होता है, वन टेक में हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 डायलॉग का सीन है, उसमें ही आप फंस जाते हो। तो सिचुएशन की बात है, बाकी मेरे को नहीं लगता कि हमारे सेट पे, हमारे शो में कोई भी इतना बुरा एक्टर है जो कि रीटेक्स ले। तो रीटेक्स लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, आर्टिस्ट हैं, और हमें सुपीरियर कंटेंट अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए रीटेक्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। वन टेक आर्टिस्ट सभी हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा अच्छे से इमोशनल सीन कौन करता है? कौन करता है आपको पता नहीं है? मैं रो रहा हूँ, मैं शुरू से रो रहा हूँ। हाँ, इमोशनल सीन्स मैं और श्रुति उल्फत, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मेरे और श्रुति मैम के सीन्स आते हैं माँ बेटे के, तो हम रियली कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को लेके। तो इमोशनल सीन्स उनके साथ आपने देखा या हमेशा से ही अच्छे हुए हैं, और आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है। और बुक्कड़ कौन? समृद्धि शुक्ला बहुत खाती है, अभी भी खा रही होगी, जाके सेट पर देखो। चो अभी उधर हम कुछ कर रहे थे शूट, तो चॉकलेट में क्या खा रही, चॉकलेट खा रही, वाह। अभी पता चलेगा ना कि यहाँ एक्सटेंड हो रही है शिफ्ट, तो उस बंदी का खाना ऑन द वे होगा। या